Hi friends, I'm Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, आज की रेसिपी से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे मैं दिखाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट सीजन जिसमें हम बहुत सारी ब्रेकफास्ट डिशेस बनाएंगे और नो ओवन और नो तंदूर से एगलेस बेकिंग करेंगे. तो ये सब आगे आने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें. फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसके नीचे ही सब्सक्राइब का एक बटन है, आपको बस वो क्लिक करना है. इट्स एब्सोल्युटली फ्री, आपको उसके लिए सिर्फ एक जीमेल अकाउंट चाहिए. फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मोबाइल से भी वीडियो देखते हैं, तो मोबाइल से जब आप लिंक करके वीडियो पे जाते हैं तो उसके नीचे राइट हैंड साइड पे एक ड्रॉप डाउन एरो है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वहां आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, आप उसे जरूर क्लिक करें और मेरे साथ बने रहें. आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स वो एक चाइनीज डेजर्ट है और ये वहां बहुत पॉपुलर है, तो आइए देखिए इस चाइनीज डेजर्ट के झटपट इंग्रेडिएंट. फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 3/4 कप शुगर, 2 to 3 teaspoon cornflour alag se for dusting in fruits, 1 teaspoon butter, around 1/2 cup water, thoda se fruits, maine liye hain ek apple aur ek banana, aur thode se black sesame seeds for garnishing. Aaiye dekhiye banana toffee kaise banate hain. Maine le liya hai ek bowl. डालती हूँ उसमें फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, और बनाते हैं घोल. थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर देते हैं अच्छे से. ये घोल रेडी हो गया है. अब इसमें डाल देती हूँ 1 teaspoon घी, मिक्स कर देती हूँ अच्छे से. अब अपने फ्रूट्स काट लेते हैं, बनानास को डाइस कर लेते हैं मोटे मोटे हिस्सों में. एप्पल को भी इसी तरह से काट लेते हैं. इसके भी मोटे इससे कर लेते हैं. ये मेरे फ्रूट्स रेडी हैं, डाल देती हूँ एक बोल में. और अब मैं डस्ट कर देती हूँ कॉर्नफ्लावर. ये अराउंड 2 to 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है, ये इन फ्रूट्स पे डस्ट कर देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ. अब मुझे इन फ्रूट्स को एक एक करके इस घोल में डिप करना है और इसे अच्छे से कोट करना है. कर देते हैं इसे अच्छे से कोट और फिर हम इन्हें तलेंगे. इस तरह से अच्छे से कोट कर देते हैं एप्पल्स को भी, बनानास को भी. और अब इस गरम तेल में मैंने डाल देती हूँ. हमारा तेल गरम होना चाहिए, लेकिन गरम होने के बाद आप सिम कर दीजिए और फिर इन्हें तलिए, क्योंकि हमें इन्हें क्रिस्पी तलना है. आप इसे मीडियम गैस पे तलें. ये सब रेडी हो गए हैं, इन्हें अब निकाल देती हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम रेडी है. अब बनाते हैं एक सॉस. इस पैन में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा बटर, और जैसे ही बटर पिघल जाएगा डालेंगे चीनी. अब व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं. इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे कुक होने देते हैं. जैसे ही ये शुगर मेल्ट हो जाएगा हम ये गैस बंद कर देंगे. देखिए शुगर मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट हो चुका है, अब गैस बंद कर देते हैं.
अब जो हमारे फ्रूट्स हमने तल थे उन्हें हम धीरे से इस शुगर सिरप पे अच्छे से कोट कर देते हैं। बहुत अच्छे से कोट करना है हमें, और हमें जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना होगा क्योंकि ये शुगर फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगी। इसे कोट करके एक चिल्ड वाटर में डुबो देते हैं। ये पानी चिल्ड है, आप नॉर्मल वाटर नहीं ले सकते। बाकी के फ्रूट्स भी इस तरह से कोट कर लेती हूँ मैं। अच्छे से कोट करना है इनको, और फिर इस ठंडे पानी में 2 सेकंड के लिए डाल के निकाल देते हैं। याद रखिए पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। ये बनके एकदम रेडी है। इनकी ब्लैक सेसमे सीड से मैं कर देती हूँ गार्निशिंग, और थोड़े से शुगर क्रिस्टल्स भी ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए हमारी फ्रूट टॉफी एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये डेजर्ट? फ्रेंड्स, इससे अच्छा डेजर्ट क्या हो सकता है जहां पे हम बच्चों को एक टॉफी दे रहे हैं और उसके साथ फ्रूट्स भी। आप इस डेजर्ट को जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, अपने सुझाव मुझे जरूर लिख के भेजें, और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।